कौन कहता है कि ये चुनाव बिना मुद्दों का है? कौन कहता है इस चुनाव में पिछले दो चुनावों के मुकाबले मुद्दे नहीं उभर पा रहे हैं? नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अगर आपको लगता है कि पहले चरण के 102 सीटों पर बिना मुद्दों के वोटिंग हुई है तो अब तैयार हो जाइए। दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग के लिए नेताओं ने गियर बदल लिया है, जिसमें आपकी संपत्ति छीनने, इसे मुसलमानों में बांटने जैसे तमाम मुद्दे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कई मुद्दों को उछाल दिया है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से ये मुद्दा उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र तक छीन लेगी। इस पर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। प्रियंका गांधी ने ऐसा इमोशनल जवाब दिया है कि बीजेपी भी अब अकबका गई है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे मैं कहने आया हूँ। ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी, उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। पहले चरण में वोटिंग से पहले CSDS लोक नीति का एक सर्वे आया, जिसमें कहा गया कि इस चुनाव में 27% युवा बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, 23% लोग महंगाई को मुद्दा मानकर वोटिंग करने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग हुई तो उसमें जनता उस मुताबिक वोट देने नहीं निकली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पिछले चुनाव के पहले चरण के मुकाबले करीब 9% वोटिंग कम हुई है। पहले चरण की वोटिंग तक बीजेपी अपने 2047 के मिशन की बात कर रही थी, जबकि कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहे थे। दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे थे, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री राजस्थान के चिलचिलाती गर्मी में बांसवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने तीरों की धार और पैनी कर दी। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बताते हुए सीधे उनके घोषणा पत्र को लपेटा। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान ने चुनावी मुद्दों की पिच ही बदल दी है। कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई नेता इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बराबरी में विश्वास रखती है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, हम सबको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं।
और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है, अमित शाह की 6 बहनें नहीं है, क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है, मगर दिखता कौन, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों इतना झूठ बोलते, आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। देखिए जो लग रहा था, जो बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार और 370, वो सारा उसका वो जो है उसकी फूंक निकल गई। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। 2019 का लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा, कांग्रेस और राहुल गांधी राफेल विमान खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर हमला बोल रहे थे, चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे थे। उसके जवाब में प्रधानमंत्री का साथ देते हुए पूरी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार नाम से अपनी प्रोफाइल बना ली थी। बीजेपी की इस मुहिम के जवाब में प्रियंका गांधी मोर्चे पर उतरी और उन्होंने कहा था कि चौकीदार तो अमीरों के घर में होते हैं, गरीबों के घरों में नहीं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया तो उसका जवाब देने भी प्रियंका गांधी उतरी और उन्होंने जो कहा उसे सटीक जवाब माना जा सकता है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। दरअसल अगर इस मुद्दे की गहराई में जाएं तो आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र देखना होगा, जिसमें कहा गया है कि वो सत्ता में आई तो संपत्ति का फाइनेंशियल सर्वे कराएगी और अमीरों की संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों में भी बांटा जाएगा ताकि उनकी जिंदगी चल सके। वेल्थ सर्वे कांग्रेस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें वो लगातार कह रही है कि देश में पिछले 10 साल में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बढ़ गई है। इसमें कई संस्थाओं के आंकड़ों का हवाला भी दिया गया है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे का वादा उसी तरह का है जैसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सत्ता में आने पर वो जाति जनगणना कराएगी। लेकिन जब इस पॉइंट को प्रधानमंत्री ने इस तरह उछाला कि कांग्रेस आपकी संपत्ति उन लोगों को देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। तो आइए आपको बताते हैं कि कब कब सरकारों ने आपका सोना लिया और क्या इसे लिया भी जा सकता है या नहीं, और चुनाव प्रचार में आपके सोने और आपके मंगलसूत्र को छीनने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर प्रियंका गांधी की दोनों बातें सच्चाई के करीब हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने आभूषण दान किए थे। 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता, बांग्लादेश बना। युद्ध के बाद देश में महंगाई का बुरा हाल था, कई तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे। जनता से महंगाई का बोझ कम करने के लिए इंदिरा गांधी ने राजू रजवाड़ों से सोना दान करने की अपील की थी। 70 के दशक में प्रीवी पर्स खत्म होने के बाद राजा रजवाड़ों की इंदिरा गांधी से नहीं बनती थी, इसलिए उनकी इस अपील का बहुत असर नहीं हुआ। प्रियंका की दूसरी बात से भी दुनिया वाकिफ है कि उनकी माँ का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। देश के लिए सोना दान करने का भारत समेत दुनिया के कई देशों में इतिहास रहा है। आजादी के आंदोलन में देश की महिलाओं ने गांधी जी को अपने आभूषण दान दिए थे।
तो यही ट्रेंड दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के आंदोलन के दौरान भी देखा गया था। ये बात 100% सच है कि भारतीय महिलाएं बचत में दुनिया भर की महिलाओं से आगे हैं। 2016 की नोटबंदी और कोरोना त्रासदी में बचत की ताकत दुनिया देख चुकी है। हर हिंदू महिला के पास मंगलसूत्र जरूर होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है। महिलाओं के सोने पर घमासान मचने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने 2016 में नोटबंदी करके महिलाओं की बचत और उनका सोना छीना। दरअसल कानून के लिहाज से देखा जाए तो भारत के संविधान के मुताबिक आपकी संपत्ति कोई नहीं छीन सकता है। भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए इसमें बदलाव किया गया, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन से संविधान में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संशोधन के अनुसार निजी संपत्ति का होना एक मौलिक मानव अधिकार है। इसे कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का पालन किए बिना राज्य द्वारा नहीं लिया जा सकता है। यानी अपने देश में जब तक आपकी संपत्ति को लेकर कोई नया कानून नहीं बन जाता है, तब तक आपकी संपत्ति को छीनने का हक किसी सरकार के पास नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सैम पित्रोदा ने एक बयान देकर इस जलती आग में घी डाल दिया। सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही, लेकिन विवाद बढ़ने पर पलट गए। भारत समृद्ध लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र या साम्यवादी देश नहीं जहां सरकारें आपके सोने आपकी बचत को छीन लें, जैसा रूस या चीन में होता है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में अक्सर साम्यवादी दार्शनिक कार्ल मार्क्स की छाप दिखती है, इसलिए वो गरीबी अमीरी की बातें करते करते संपत्ति के बंटवारे तक पहुंच जाते हैं और चुनाव में न गरीबों के रह पाते हैं और न अमीरों के। गरीबी अमीरी की खाई को संतुलित करने के लिए सरकारें कैपिटल गेन्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कदम तो उठा सकती हैं, लेकिन आपकी संपत्ति छीनने और उसे ज्यादा बच्चों वालों में बांटने जैसी बातें पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब ये मुद्दा कहां तक जाता है, चुनाव में आगे और कौन से मुद्दे उभरते हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।